ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेटा बात करें मेनली, अपने बोलो बेटा सिस्टम, सिस्टम क्या होता है बूढ़े बात करें, जो बेटा बात करें किससे बना होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन से बना होता है, समझ पा रहे सिस्टम क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। तो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में बूढ़े बात करें मतलब जो नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट को मीन्स जो यूरिया को बूढ़े बात करें आपकी बॉडी से बाहर डिस्चार्ज करता है, एक्सक्रीट करता है, वो सिस्टम किस किस ऑर्गन का बना होता है, तो हमें पता है बेटा बात करें बहुत अच्छी से। इसके अंदर गोलू बात करें क्या क्या देखने को मिलेगा आपको बेटा बात करें सिस्टम में, सबसे पहले मिलेगा गोलू बात करें वन पेयर ऑफ किडनी, क्या मिलेगा बेटा बात करें वन पेयर किडनी, एक जोड़ी गोलू बात करें किडनी मिलेगी, बहुत बढ़िया एक जोड़ी किडनी, समझ में आ रहा बेटा बात करें। दूसरी कंडीशन है बेटा बात करें क्या, किडनी के अंदर जो बेटा बात करें ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ और यूरिन बना, उस यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक लाने का काम कौन करेगा बेटा बात करें वन पेयर यूरेटर, कौन करेगा वन पेयर यूरेटर, मतलब एक जोड़ी गोलू बात करें मूत्र वाहिनी यूरेटर, क्या बोलते बेटा बात करें इनको यूरेटर। गुड़े बात करें यूरेटर इस ब्लड को गुड़े बात करें स्टोर करने के लिए कहां पे ले आएगा, गुड़े बात करें सिंगल यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर कैसा होता है एक ही होता है सिंगल यूरिनरी ब्लैडर, बात समझ पा रहे यूरिनरी ब्लैडर। आपको पता है बेटा बात करें अच्छे से यूरिनरी ब्लैडर गुड़े बात करें जब फुल भर जाता है तो बेटा बात किसके द्वारा सिग्नल ब्रेन को दिए जाते हैं, और ब्रेन से बेटा बात करें जब गुड़े बात करें मोटर न्यूरॉन के द्वारा सिग्नल आते हैं, वो गुड़े बात करें क्या करते हैं आपके जो बेटा बात करें यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर के जंक्शन पे जो स्पिंटर है उनको रिलैक्स करते हैं, और गुड़े बात करें यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में कॉन्ट्रेक्शन करते हैं जिसकी वजह से बेटा बात करें क्या होता है यूरिन बाहर डिस्चार्ज होता है, जिसको हम बोलते हैं यूरिनेशन, क्या बोलते हैं यूरिनेशन या मिक्चुरेशन। तो बेटा बात करें हमारे पास क्या हो जाएगा सिंगल यूरिनरी ब्लैडर के बाद आपके सिंगल यूरेथ्रा, यूरेथ्रा गुड़े अगर मेल में देखा जाए तो पेनिस के अंदर बेटा बात करें डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और बेटा बात करें मेल का यूरेथ्रा फीमेल के कंपेयर में थोड़ा बड़ा होता है साइज में, है ना, तो यूरेथ्रा गुड़े बात करें यूरेथ्रा सिंगल क्या होता है बेटा बात करें यूरेथ्रा। आपको पता है गुड़े थोड़ी सी बात मैंने लिखवाया था इसके साथ कभी कभी गुड़े बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम में गुड़े बात करें आपके इनसाइड तो इतना ही बोलती है वन पेयर किडनी वन पेयर यूरिनरी ब्लैडर कि वन पेयर यूरिनरी यूरेटर वन पेयर यूरेटर वन पेयर किडनी जिनका काम गुड़े बात करें ब्लड का फिल्ट्रेशन और एक्सक्रीशन है, वन पेयर बेटा बात करें यूरेटर जिनका काम गुड़े बात करें क्या ट्रांसपोर्ट और कंडक्शन ऑफ बेटा बात की यूरिन है फ्रॉम किडनी टू गुड़े बात करें यूरिनरी ब्लैडर, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर जिसका काम बेटा स्टोरेज हाउस है, और बेटा बात करें सिंगल क्या होता है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा गुड़े बात करें बताया वो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यूरिनरी ब्लैडर से गुड़े बात की यूरिन को बॉडी से बाहर डिस्चार्ज करता है। मेल का गुड़े बात करें जो यूरिनरी ब्लैडर होता है बेटा बात करें फीमेल यूरिनरी ब्लैडर लगभग गुड़े सेम साइज के होते हैं, लेकिन यूरेथ्रा जो गुड़े बात करें होता है मेल का वो क्या होता है बेटा बात करें लॉन्ग होता है साइज में, क्यों, क्योंकि गुड़े बात करें ये पेनिस के अंदर से गुड़े बात करें पास होता है, तो जो पेनिस का साइज होता है मेल में वही गुड़े बात करें यूरेथ्रा का साइज होता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये वाली कंडीशन है हमारे पास लगभग। फिर गुड़े बात कर अपन आगे बोलते बेटा बात कर कि इसके साथ मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ, एनसीईआरटी तो नहीं लिखा पर मैं लिखता हूँ गुड़े बात करें क्या लिवर, क्या लिखते बेटा बात करें लिवर, पर गुड़े बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम में केवल उसको शामिल करते गुड़िया उसको शामिल करते जिसका फंक्शन केवल एक्सक्रीशन है, और वो गुड़े बात करें इनका है, लिवर के तो कई काम पड़े थे अपन ने, समझ पा रहे। हाँ ये बात जरूर है कि लिवर गुड़े बात करें क्या करते यूरिया का फॉर्मेशन करता है, पर बेटा बात करें केवल क्या यूरिया का फॉर्मेशन करना है उसका फंक्शन है नहीं, मैंने फंक्शन पढ़े थे अपन ने, क्या क्या पढ़े थे गुड़े बात करें यूरिया फॉर्मेशन गुड़े बात करें इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट गुड़े बात करें, समझ पा रहे कई बार तो बेटा फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी साथ में गुड़े बात करें क्या बेटा बात करें स्प्लीन के साथ मिलकर के डिग्रेडेशन ऑफ आरबीसी, मतलब मैंने ग्रेवियर्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान अपन बोलते हैं स्प्लीन को, लेकिन उसके साथ साथ ये भी तो हेल्प करता है हीमोग्लोबिन का जब बेटा बात कर डिकम्पोजिशन करता है हीम और ग्लोबिन प्रोटीन अलग बनते हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है। साथ में गुड़े बात करें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का फॉर्मेशन ये करेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं गुड़े बात का एल्कोहल कंजप्शन कर रहा हूँ तो बेटा बात करें एल्कोहल का गुड़े बात करें मेटाबॉलिज्म भी कौन करेगा लिवर करेगा। साथ में गुड़े अपन खाना खा रहे तो बेटा बात करें पता है एनिमल के अंदर जो स्टोरेज फूड है बेटा ग्लाइकोजन उसको भी स्टोर करेगा, मतलब स्टोरेज जो बेटा बात करें ग्लाइकोजन, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही। कितने फैक्टर है गुड़े बात करें मैनी फैक्टर, मतलब सॉरी गुड़े बात करें मैनी फंक्शन, लिवर के कई काम है बेटा बात करें, तो लिवर को एक जगह तुम शामिल रखो ये दीदी सही नहीं सूट होता है। लेकिन मैं बेटा बात करें केवल इसलिए रखना चाह रहा हूँ गुड़े बात करें आप इसको मैन एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं बोल सकते, पर एक्सक्रीशन भी हेल्प करने वाला ऑर्गन तो बोल ही सकते हो क्योंकि बेटा यूरिन यूरिया बनाते यही है, बात समझ पा रहे। यूरिया किसके द्वारा बनाता है ऑर्निथिन सिट्रुलिन आर्जिनिन साइकिल या केवल बोला था यूरिया साइकिल के द्वारा, बात समझ पा रहे ठीक है। तो ये बेटा बात करें कंडीशन हो जाती है। अगर अपन देखना चाहें गुड़े बात करें तो कुछ ऐसी हमारे पास ये किडनी है जो गुड़े बात करें कैसे होती है बताओ कैसे होती है बेटा बात करें बीन सेप बीन सीड सेप होता है गुड़े बात करें, एक जोड़ी बेटा बात करें आपकी किडनी है गुड़िया, समझ पा रहे हो कैसे है बेटा बात करें गुड़िया बीन सीड सेप है ना, बीन सीड से बेटा बात करें मेरी एक जोड़ी किडनी है गुड़े बात करें ये कंडीशन,
और अगर देखो बेटा बात करें यहां पर इनके ऊपर, आपको अच्छे से पता है बेटा बात करें क्या मिलेगा, वन पेयर बुढ़े बात करें एड्रिनल ग्लैंड, जिनको अपन नाम बेटा बात कर देते सुपर एड्रिनल ग्लैंड, जिनसे बुढ़े कुछ निकल रहा था, याद है क्या निकल रहा था, इमरजेंसी हॉर्मोन इपिनेफ्रेन नॉरेपिनेफ्रेन, कहां से, मेडुला से, कॉर्टेक्स से, मेडुला से, पर कॉर्टेक्स से क्या निकला था इनके बुढ़े बात करें, इन एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से क्या निकला था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन और बेटा बात कर सेक्स स्टीरॉइड ईस्ट्रोजन और भी टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन, बहुत बढ़िया। तो अपन बेटा बात करें इनको अपन क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड, क्या बोलते हैं गुड़िया, एड्रिनल बेटा बात करें ग्लैंड, किडनी के ऊपर है तो सुपीरियर पोजीशन पर है, सुपीरियर पोजीशन में तुमको बोलते हैं सुप्रा रीनल, क्या बोलते हैं बेटा बात करें, सुप्रा रीनल ग्लैंड, सुप्रा रीनल ग्लैंड बोलते गुड़िया बात करें। इस तरीके से याद करना है बेटा बात की, तो मुझे दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े इसको, बस समझ में आ रहा है। बाहर का रीजन क्या कहलाएगा, कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड बाहर का क्या है, कॉर्टेक्स, अंदर का क्या कहलाता है बेटा, मेडुला। इसके गुड़े बात किस तरीके अपन रीजन बनाए, कभी भी आप देखो किसी भी गुड़े बात करें स्ट्रक्चर में, उसके बाहर का रीजन क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स, और अंदर का क्या कहलाता है बेटा बात बोलो, मेडुला कहलाता है, बस समझ पा रहे। तो ये गुड़े बात करें मेडुलर रीजन है, सेंट्रल रीजन को अपन बोलते हैं मेडुला, ठीक है। अच्छा गुड़े बात करें किडनी की बात करें, किडनी का फंक्शन फंक्शन क्या बेटा बात करें, ब्लड का फिल्ट्रेशन करना और यूरिया का गुड़े बात करें क्या करता है, एक्सक्रीशन करना, ठीक है। इन गुड़े बात करें किडनी से एक जोड़ी यूरेटर आते हैं, एक जोड़ी बेटा यूरेटर आते हैं, डक्ट आती है, जो बेटा बात करें कहाँ खुलती है गुड़े बात के स्ट्रक्चर में, इसका नाम क्या है बेटा बात करें, इसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर, क्या नाम है इसका, यूरिनरी ब्लैडर, बस समझ में आ रही क्लियर। यूरिनरी ब्लैडर गुड़े बात करें वो बेटा बात का स्टोरेज हाउस होता है, जिसका फंक्शन गुड़े बात करें क्या बेटा बात करें, यूरिन का, जल्दी बोलो बेटा बात करें, स्टोरेज करना, बहुत बढ़िया, यूरिन का क्या करना बोलो, स्टोरेज करना। और बेटा बात करें यूरिन जो गुड़े है आपका, यूरिन को गुड़े बात करें बॉडी से बाहर डिस्चार्ज करने का काम किसका होता है बेटा बात करें, इस यूरिथ्रा का होता है, जो डक्ट आपको दिख रही है, बस समझ में आ रही नहीं आ रही, क्या दिख रही है बेटा बात करें, डक्ट दिख रही है। और यूरिथ्रा की दीदी ओपनिंग को अपन क्या बोलते हैं बेटा, यूरिथ्रल मीटस, क्या बोलते हैं बेटा बात करें, यूरिथ्रल मीटस। तो ये गुड़े बात करें कंडीशन होती है, यहां से गुड़े बात करें एक जोड़ी बेटा बात करें क्या निकलती है, यूरेटर निकलते हैं, समझ में आ रहा है, ये गुड़े बात करें आपको स्ट्रक्चर दिखा होगा, ये गुड़े बात करें कहां पर ओपन होता है बेटा बताओ, बिल्कुल ये पढ़ा दिया था क्या, चलो कोई बात नहीं, पढ़ा दिया था तो भी बहुत बढ़िया है, नहीं पढ़ा था गुड़े बात करें तो भी बहुत बढ़िया, पढ़ लो। इसमें अगर आप क्वेश्चन लगा क्या है बेटा, कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो गुड़े बात कर, तो आपका क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, जल्दी बोलो कुछ पूछना है क्या, ये बुढ़े बात का हमारे पास क्या बताओ बेटा बात करें, ये यूरेटर है जो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर निकल के आ रही है, यूरेटर, ये वो डक्ट है गुड़े बात के जो पता है यूरिन को कहां से लेके आती है, किडनी से, समझ पा रहे गुड़े बात करें। अच्छा अपन बोलते बेटा बात कर रहे हैं जो हमारी यूरेटर का गुड़े बात के ब्रॉड फनल से गुड़े बात कर रहे हैं ओरिजिन पोर्शन होता है, क्या कहा, यूरिन बेटा बात यूरेटर का जो गुड़े बात के ब्रॉड, ब्रॉड मतलब गुड़े बात के चौड़ा, फनल से, फनल के आकार का मतलब गुड़े कीप के आकार का स्ट्रक्चर होता है, किसके अंदर बेटा बात करें, जल्दी बोलो किसके अंदर, किडनी के अंदर। इस बेटा बात क्या पता है हमारे पास, चौड़े से पार्ट का नाम क्या होता है, रीनल पेल्विस, क्या होता है बेटा बात करें, जल्दी बोलो रीनल पेल्विस। तो रीनल पेल्विस गुड़े किसका पार्ट है, किडनी का पार्ट है कि बेटा यूरेटर का पार्ट है, यूरेटर का पार्ट है, समझ में आ रहा है। यूरेटर की गुड़े बात करें ओपनिंग को, जो ब्रॉड फनल से मतलब गुड़े बात करें आपको चौड़ी कीप के आकार का स्ट्रक्चर देख रहा है ना, इसका नाम क्या होता है बेटा बात करें, इसका नाम होता है गुड़े बात करें यूरेटर, क्या नाम होता है, सॉरी क्या नाम होता है, रीनल पेल्विस, क्या होता है बेटा। तो दीदी ये भी याद रखना बेटा बात करें कि जो रीनल पेल्विस होता है वो गुड़े बात के यूरेटर की ओपनिंग है किडनी में, समझ में आ रहा है। तो ये गुड़े बात का रीनल पेल्विस है, क्या है बेटा ये, रीनल पेल्विस। और गुड़े बात करिए तो आपको दिख रहा हो क्या है बेटा, ये किडनी है, किडनी है गुड़े बात करें, ठीक है। ये गुड़े बात कर दोनों क्या हमारे पास बेटा बात करें, यूरेटर है, दोनों के दोनों क्या है, यूरेटर है,
और यूरेटर का फंक्शन क्या होता है बेटा, बात करें, जो किडनी ने ब्लड की फिल्ट्रेशन के बाद यूरिन बनाया उसको गुड़े बात कर क्या करना है बेटा, बात करिए, जो अपने बोला किडनी का फंक्शन क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन और गुड़े यूरिया का एक्सक्रीशन। पर गुड़े बात करें, जो यूरिन यहाँ पे बना है किडनी में उनको बेटा बात कर पता है स्टोरेज चैम्बर तक ले जाने का काम किसका है, यूरेटर का है, ठीक है। इनका बेटा बात कर नंबर वन पेयर होता है। अगर मैं गुड़िया इसकी बात करूं किसकी बेटा बात, स्टोरेज हाउस की, यहाँ जो बेटा यूरिन आ रहा है क्या आ रहा है गुड़िया, यहाँ पे जो यूरिन आ रहा है भरने के लिए, स्टोर होने के लिए, बूंद बूंद करके दीदी बात कर आता रहता है, ये भरता रहता है। तो इस गुड़े बात कर पता है यूरेटर की बॉल में अगर अपन देखें क्या मिलेगी बेटा, स्पेशल टाइप की कुछ मसल मिलेंगी। इन मसल का नाम क्या है गुड़े बात करें, डेट्रूसर्स मसल। कौन है बेटा बात कर जल्दी बोलो, बोलो डेट्रूसर्स गोलू बात करें मसल है, कौन सी मसल है, बिल्कुल डेट्रूसर मसल है। ये गुड़े बात कर डेट्रूसर मसल है, ये डेट्रूसर मसल, इनके अंदर दीदी बात कर डेट्रूसर मसल, ये वाले में बना रहा हूँ, ये नहीं है, ये तो बॉल है बेटा बात की, यूनरी ब्लेडर है, इनके अंदर अपन देखना चाहें बेटा बात के तो ये डेट्रूसर मसल है। ऐसी पिक्चर बनाए देखो आप अपनी बुक में, उसमें फिगर में दिख रहा है, अरे देखा क्या ऐसा बनाया कि नहीं बनाया स्ट्रक्चर, हाँ उसमें कलरफुल नहीं बनाया क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी है। पूरे बात कर डेट्रूसर मसल इसमें बनाया देखो ना आप, देखा कि नहीं दिखा, डेट उससे बेटे बात करिए मसल है, और इसका काम क्या होता है गुड़े बात करें, कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग द बेटे बात करें क्या, यूरिनेशन और मिक्चुरेशन, तो ये डेट रूसर मसल है, डेट रूसर मसल। साथ में गुड़े बात करें पता है क्या मिलेगा, स्पेशल टाइप की बेटू बात कर रिसेप्टर मिलेंगे, कहां में गुड़े बात करें, इन बॉल और बेटा बात करें यूरिनरी ब्लैडर, इनको मन बोलते स्ट्रेच रिसेप्टर, क्या बोलते बेटा, ये गुड़े बात के स्ट्रेच रिसेप्टर है, यहां पर स्ट्रेच रिसेप्टर, स्ट्रेच रिसेप्टर दीदी क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, जैसे यहां बेटा यूरिन भर जाता है गुड़े बात करें, इन सिग्नल को ले जाके बेटा बात करें कहां ट्रांसमिट करते हैं, सीएनएस, मतलब गुड़े बात करें कहां पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बात समझ में आ रहा है, मतलब या तो ब्रेन या तो स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस में दोनों ही शामिल करते हैं। तो गुड़े बात करें होता है क्या है, ब्लड जैसे आया किडनी ने फिल्ट्रेट किया, उस बुरे बात का पता है अब वो ब्लड नहीं बचा, वो बचा यूरिन, यूरिन दी थी बात करें पता है लेके कौन आएगा, यूरेटर आएंगे, यूरेटर की ओपनिंग को बेटा बात करें ब्रॉड फनल से, बुरे बात करें ओरिजिनल स्ट्रक्चर को अपन क्या नाम देते हैं, रीनल पेल्विस, बुरे बात करें तो रीनल पेल्विस से इंटर करता है बुरे बात के, यूरेटर से आते बुरे बात करें कहां जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद बेटा बात करें जैसे एक लिमिट के बाहर बुरे बात के यूरिन बढ़ता है, यूरिन का दीदी बात करें पता है बड़ा हुआ जो बुरे बात करें अमाउंट को प्रेशर अप्लाई करता है किसके ऊपर, बुरे बात करें ऑन स्ट्रेच रिसेप्टर, कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा गुड़े बात कर, स्ट्रेच रिसेप्टर के साथ साथ गुड़े ने सिग्नल को रिसीव कौन करता है साथ में, और डेट्रूसर मसल भी करते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर गुड़े बात कर न्यूरॉन के द्वारा इन सिग्नल को बेटा बात करें कहां पर ट्रांसमिट कर देंगे, स्ट्रेच रिसेप्टर सीधी बात करें पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वहां से गुड़े बात करें पता है आपका ब्रेन बात करें ब्रेन मोटर न्यूरॉन के द्वारा सिग्नल भेजेगा किसको बेटा बात करें, स्ट्रेच रिसेप्टर को, ताकि गुड़े बात करें क्या करो कॉन्ट्रेक्शन करो, और साथ में गुड़े बात करें किसको डेट्रूसर मसल को, तो डेट्रूसर मसल और गुड़े बात करें पता है स्ट्रेच रिसेप्टर दोनों के दोनों सिग्नल दीदी बात करें ब्लैडर को देते हैं साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, तो इनके अंदर ये किस में हेल्प करेगा बेटा बात करें, डेट्रूसर मसल का फंक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ बेटा बात जल्दी बोलो, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, क्या होता है यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर का बेटा बात करें कॉन्ट्रेक्शन कौन करेगा गुड़े बात करें, डेट्रूसर मसल करेगी, जिसकी वजह से इसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा, कॉन्ट्रेक्शन के बाद यूरिन कहां चला जाएगा बाहर, लेकिन क्या गुड़े बात क्या पता है यूरिन के रोक टोक के लिए कोई भी गुड़े स्ट्रक्चर नहीं होता है, होता है यहां बेटा बात करें गुरु देखो आपके यूरिथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर के दीदी जंक्शन पर दो बेटा बात कर आपको गेट मिलेंगे, इन दोनों गेटों में गुड़े बात का जो अंदर वाला गेट है इसको हम बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर, क्या बोलते हैं गोलू इंटरनल स्फिंक्टर, और एक बेटा बात कर बाहर है जिसको अपन क्या बोलते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ये दीदी बात करें इंटरनल स्फिंक्टर है और ये बेटा बात कर क्या है एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर गुड़े बात का पता है नेचर में कैसा होता है बेटा बात करें वॉलंटरी होता है, क्या होता है वॉलंटरी, और जो गुड़े बात कर हमारे पास इंटरनल स्फिंक्टर है ये कैसा होता है इनवॉलंटरी, जैसे ही गुड़े बात करें पता है प्रेशर पड़ता है ये गुड़े बात का पता है क्या हो जाता है ओपन हो जाता है, तो इसमें से गुड़े बात का पता है यूरिन कहां आगे पास होने लगता है, पर ये गुड़े बात कर जो हमारे पास एक्सटर्नल स्फिंक्टर है ये तभी खुलेगा जब बेटा बात कर आप चाहोगे,
ये तभी खुलेगा जब आप चाहोगे। मतलब ये गुढ़े बात करके ऐसा स्ट्रक्चर है, ये गुढ़े वॉलंटरी स्ट्रक्चर, चाहे कितना भी गुढ़े बात कर बताए ये आपका यूरिनरी ब्लैडर भर जाए, चाहे आपको दीदी इतना भी गुढ़े बात कर बताए जो सिग्नल जा रहे थे वो गुढ़े बात कर बताए एक्स्ट्रा जाने लगे। नॉर्मल इंपल्स होता है, एक जगह गुढ़े बात के छुआ, स्किन को एहसास हुआ, एक जगह चिमेटी भर दी, मतलब थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशन से कई गुना ज्यादा स्टिमुलेशन आप दे रहे हैं। स्टिमुलेशन तो मुझे मिला पर ये हाईली पैनिक स्टिमुलेशन था, बस समझ पा रहे, क्योंकि इसमें इंटेंसिटी गुड़े स्टिमुलेशन की क्या होगी बहुत ज्यादा होगी। तो गुड़े बात करें, अगर यूरिन कम है तो हल्की हल्की गुड़े बात करें पता है सिग्नल जाएंगे, हल्का हल्का गुड़े बात करें पता है प्रेशर अप्लाई हुआ बहुत ज्यादा भर जाएगा, पूरा भर जाएगा तो गुड़े बात करें बहुत ज्यादा गुड़े बात के प्रेशर क्रिएट करेगा। लेकिन ये गुड़े बात करें यूरिन तब तक बाहर नहीं निकल सकता जब तक बेटा बात करें क्या होगा वॉलेंट्री गुड़े बात करें सिग्नल नहीं खुलेंगे, समझिए वॉलेंट्री रिसेप्टर या वॉलेंट्री गुड़े बात करें बॉल या वॉलेंट्री स्फिंक्टर नहीं खुलेगा। ये बात समझ में आ रहा है, जैसे ही यूरिन दीदी बात करें ब्लेडर भरता है, जैसे ही बेटा बात करें भरे हुए यूरिन के द्वारा बेटा स्ट्रेस रिसेप्टर के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है, वैसे ही दीदी बात करें स्ट्रेस रिसेप्टर से सिग्नल कहाँ बोलती है अपन सीएनएस में भेजते हैं, सीएनएस से मोटर न्यूरॉन के द्वारा बेटा सिग्नल आते हैं, सिग्नल गुड़े बात करें यूरिनरी ब्लेडर पर काम करते हैं और स्फिंक्टर पर काम करते हैं। ये स्फिंक्टर पहले से ही खुला पड़ा है बेटा बात के, क्योंकि यूरिन गुड़े बात के बहुत ज्यादा भर चुका है, तो ये तो गुड़े बात करें ओपन है। अब गुड़े बात करें पता है जो सिग्नल उनको दो पे काम करना है, यूरिनरी ब्लेडर की गुड़े बात का डेट्रूसल मसल पे कॉन्ट्रेक्शन कराना है और बेटा बात करें एक्सटर्नल स्फिंक्टर को ओपन कराना है, तो ये गुड़े बात करें क्या होगा ओपन हो जाएगा और इनके अंदर क्या होगा कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो यूरिन क्या होगा इजिली पास हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कहां से यूरेथ्रा से। इस बेटा बात करें लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया बेटा बात करें, इसको अपने नाम दिया था बेटा बात के यूरेथ्रा, क्या नाम दिया था यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कुछ नहीं गुड़े डक्ट होती है जो यूरिनरी ब्लैडर से आने वाले यूरिन को क्या करती है बेटा बात करें पास करती है। गुड़े बात करें यूरेथ्रा की वो ओपनिंग, यूरेथ्रा की ओपनिंग जहां से बेटा यूरिन क्या होता है बाहर निकलता है, यूरिन क्या होता है बेटा बाहर सीक्रेट होता है, इस ओपनिंग का नाम होता है बेटा बात करें यूरेथ्रल मिएटस। क्या होता है बेटा बात करें जल्दी बोलो जल्दी बोलो, यूरेथ्रल बेटा बात करें मिएटस, मिएटस बोलो दीदी बात करें या पोर बोलो या ओपनिंग बोलो कुछ भी बोलो, तो ये मिएटस इंपोर्टेंट वर्ड है मिएटस। क्या है गुड़े बात करें मिएटस, तो ये यूरेथ्रल मिएटस है, ये बेटा यूरेथ्रा है। अगर कभी गुड़े बात की स्ट्रक्चर आए, क्योंकि आप कैंसर ने इसको बनाया है, अगर स्ट्रक्चर आता तो मुझे देखना पड़ेगा यूरेथ्रल मिएटस यूरेथ्रा। एक्सटर्नल स्फिंक्टर वॉलंटरी होता है, इंटरनल स्फिंक्टर इनवॉलंटरी होता है। गुड़े बात करें यूरिनरी ब्लैडर, गुड़े बात करें बताए ये वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर है, इनके बीच बीच में आपको क्या मिलेगा बेटा बात करें जल्दी बोलो डेट्रूसल मसल। डेट्रूसल मसल गुड़े बात करें स्पेसिफिक बेटा बात करें कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका यूरिनरी ब्लैडर का, और साथ में गुड़े बात करें यहाँ पे क्या मिलेंगे बेटा बात करें स्ट्रेच रिसेप्टर। ये गुड़े बात करें यूरेटर आपको दिख ही रहा होगा, ये गुड़े बात का पता है ऐसा स्ट्रक्चर वो अलग से हाई बेटा बात हाईलाइट नहीं करता है जो मैंने कर रखा है, आपको समझना है कि जहां बेटा बात करें यूरिनरी जहां से यूरेटर स्टार्ट हो रहा है वो स्ट्रक्चर बेटा क्या कहलाएगा रीनल पेल्विस कहलाएगा, ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर चौड़ा कीप जैसा स्ट्रक्चर ये कंडीशन होती है। दूसरी बात किडनी का दीदी बात करिए खांच जैसा स्ट्रक्चर, खांच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे बेटा बात का हल्का सा कर्व स्ट्रक्चर है, कॉनकेव सरफेस दिख रही है, इसको अपन बोलते हैं गुड़े बात के हाइलम। क्या बोलते हैं क्या कहलाता है ये हाइलम। तो गुड़े बात का पता है नॉच लाइक स्ट्रक्चर या कॉनकेव नॉच लाइक स्ट्रक्चर दीदी बात करें, मतलब क्या बोल सकते इसको अवतल दीदी खांच जैसा जो संरचना है किडनी की इसको अपन बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं तो हाइलम इज अ पार्ट ऑफ किडनी बट रीनल पेल्विस इज अ बेटा बात करें पार्ट ऑफ यूरेटर, ये आपको याद रखना है। ऊपर गुड़े बात करें क्या होता है एडिनल, गुड़े बात कर हमारे पास ग्लैंड होती है, इनके बारे में कुछ आपको पूछना है तो पूछ सकते हो। हाँ इनका गुड़े बात कर रेगुलेशन मैंने आपको जरूर लिखवा रखा है, देखो जरा बेटा बात करें जो गुड़े बात कर आपके पास एक्सटर्नल गुड़े बात कर हमारे पास स्फिंक्टर है इसका गुड़े बात कर लिखवा है कि जो गुड़े बात कर हमारे पास इसके फंक्शन कंट्रोल कौन करेगा सोमेटिक नर्वस सिस्टम, और गुड़े बात कर जो इनवॉलेंट्री है गुड़े बात कर कॉमन सेंस की बात है कि इनवॉलेंट्री बेटा बात के स्फिंक्टर का कॉन्ट्रेक्शन उनकी ओपनिंग गुड़े बात करने का रिलैक्सेशन कौन कंट्रोल करेगा पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। दीदी बात करें पार्ट कौन सा एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, समझ पा रहे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है पीएनएस का पार्ट है, तो बेटा बात करें पीएनएस का एएनएस, एएनएस गुड़े बात करें फंक्शन रेगुलेट करता है मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग को बेटा इनवॉलेंट्री स्फिंक्टर की, और एक्सटर्नल वॉलेंट्री स्फिंक्टर की ओपनिंग को गुलू रेगुलेट कौन करता है सोमेटिक नर्व सिस्टम। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ये याद रहेगा नहीं रहेगा। गुड़े बात करें किसके द्वारा प्यूडिनल नर्व के द्वारा, यहाँ प्यूडिनल नर्व गुड़े बात करें क्या लेके आती है इंपल्स लेके आती है, इसे मैंने उसको भी शामिल किया पर आपके एनसीईआरटी ने शामिल नहीं किया। गुड़े बात करें तो लिखा बेटा बात करें प्यूडिनल नर्व, आप इसको बहुत प्यार से दीदी बात करें देख सकते हो है ना, इसमें कुछ आपको दिक्कत नहीं आ रही। हाँ गुड़े बात करें यूरेथ्रल मिएटस दिखा रहा है ओपनिंग को, देखो एरो मारा है, आप चाहो तो थोड़ा सा और आगे दीदी एरो मार सकते हो वो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। अब मुझे कहाँ पर आने बेटा बात करें किडनी पर, किस पर आना है किडनी पर। मैं गुड़े सबसे पहले किडनी के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जो बेटा आपकी एक किडनी है क्या है एक किडनी, अपन किडनी के बारे में बात करें तो किडनी के बारे में कुछ लिखा दीदी किडनी गुड़े बात के जनरली अपन देखने में अपीयरेंस कैसा होगा रेडस ब्राउन कलर का, कैसा होगा बेटा बात करें रेडस ब्राउन। किडनी की कुछ मुझे कंडीशन बोलना है करेक्टरिस्टिक फीचर बोलना है तो वो तो आपको याद रखने पड़ेंगे। ये था क्या किडनी थी, क्या थी बेटा, फिर अपन किडनी को दीदी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं।
किडनी के बाहर का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। और अंदर का क्या कहलाता है? मेडुला। ये मेडुला, ये क्या है? कॉर्टेक्स है। तो दो रीजन होते हैं। अपन अभी बात कर रहे हैं किडनी के बारे में। किडनी का दीदी बात करें, हमारे पास अगर देखो किडनी, केवल गुड़े बात कर किडनी के बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले किडनी का गुड़े बात कर कलर कैसा होता है बेटा? रेडिस ब्राउन कलर का। कैसा होता है जल्दी बोलो? रेडिस। गुड़े बात क्या पता है? जल्दी बोलो, ब्राउन कलर होता है। गुड़े बात का स्ट्रक्चर होता है। अगर इसके शेप की बात करो, कलर कैसा होता है? रेडिस ब्राउन। कलर कैसा होता है? रेडिस ब्राउन। गुड़े बात कर, रेडिस मतलब लाल दीदी बात करो, और ब्राउन मतलब क्या होता है? भूरा। तो लाल भूरे कलर की बेटा बात कर हल्की किडनी दिखेगी आपको। अगर किडनी का गुड़े बात के अपन शेप बोले, क्या बोले बेटा बात का? शेप। तो शेप कैसे होगी गुड़े बात करें? जल्दी बोलो, बिल्कुल बीन सीड शेप। बीन के गुड़े बात कर रहे हैं, बीज के आकार। तो बीन शेप या बीन सीड शेप गुड़े बात कर होगा। इसका अगर मैं वेट बोलूं एक किडनी का, दीदी बात कर क्या बोल रहा हूँ वेट, तो वो कितना होगा? 120 ग्राम। टू गुड़े बात कर 170 ग्राम। इनके बीच में दीदी अपन एक नंबर उठा लेते, इसका नाम क्या है? 150 ग्राम। तो नियरली गुड़े ये बोलो बेटा बात कर 150 ग्राम के गुड़े बात कर पता है बीच में होगी कितना होगा? 150 गुड़े बात कर एवरेज बोला है, मतलब 122 बेटा बात करके आएगा, 170 मतलब 150 ग्राम इसका वेट होगा। पर इसके डायमीटर की बात करें गुड़िया, किसकी बात करना चाह रहा हूं मैं? डायमीटर मतलब अगर किडनी को आप देखो तो दीदी बात कर इसकी जो लेंथ मिलेगी ना वो मिलेगी बेटा बात कर कितना आपको जल्दी बोलो? 10 से 12 सेंटीमीटर। 10 से 12 सेंटीमीटर अभी का भी याद करना है। इसकी गुड़े अपन विड्थ की बात करें, विड्थ क्या मिलेगी बेटा बात करें? 5 to 7 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में चल रहा है बेटा। और गुड़े बात किसकी अपन हाइट की बात करें, मतलब थिकनेस की बात करें, मोटाई की, तो गुड़े बात किसकी थिकनेस आपको क्या मिलेगी? 2 to 3 सेंटीमीटर। ये गुड़े बात कर इसका क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। बस समझ पा रहे? मतलब गुड़े बात कर इसकी लंबाई कितनी होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर। विड्थ क्या होती है बेटा बात करें? चौड़ाई। सबसे गुड़े बात का पता है लॉन्ग एक्सिस को अपन बोलते हैं लेंथ, उसके बाद गुड़े छोटे एक्सिस को अपन बोलते हैं विड्थ, और छोटे एक्सिस को क्या बोलते हैं? थिकनेस। तो लेंथ गुड़े बात करें क्या जाएगा? 10 से 12। विड्थ क्या जाएगा? चौड़ाई क्या जाएगी? 5 से 7। गुड़े बात करें समझ पा रहे? दो दो का अंतर दिख रहा होगा। और गुड़े बात करें पर यहाँ पे एक का डिफरेंस दिखता है, 2 से 3 क्या होती है इसकी थिकनेस। तो गुड़े बात करिए कंडीशन। दूसरा आपने कहा बेटा बात करें बॉडी में कहा होता है? डोर्सल सर्फेस पर होता है। अगर पोजीशन की बात करूं मैं इसकी, किसकी बात करूं? पोजीशन। तो गुड़े बात करें डोर्सल सर्फेस पर होता है गुड़े बात करें, पर कहां पे बेटू बात करें? T12 से गुड़े बात करें L3 की L5। सोच लो एक बार दीदी बात कर देख लो, L3 की L5। उधर देखने के लिए नहीं कहा है, सोचने का मतलब है यहां सोचना है। मैंने कहा सोच लो, पेज पलटाने लगे। गुड़े बात करें मतलब L5। दीदी देख लिया क्या? सुकून क्या लिखा है उसमें? कह रहे मिला ही नहीं वो मुझे, अभी मिला नहीं क्या? नहीं लिखा क्या मैंने उसमें? बहुत प्यार से लिखा है दीदी, नहीं देख पा रहे तो क्या कर सकते हैं? L2 से, अरे यार T12 से गुड़े बात करें L3 लिखा है, तो 3 ही तो है, 5 थोड़ी होता है। नहीं ठीक क्या होता है, मैं तो सब तुमसे पूछना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने इतना प्यारा डाटा लिखा था। क्या लिखा था? T12। तू बेटा बात कर L3। ये NCERT का हर एक स्टेटमेंट एक क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? ये पोजीशन है किडनी गुड़े बात करें कहां पर है? डोर्सल सरफेस पर है, पर गुड़े बात करें T12 टू गुड़े बात करें L3, मतलब बेटा बात करें लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री टू गुड़े बात करें क्या? थर्ड लंबर वर्टिब्री के बीच में, मतलब कहां बेटा? बताओ, वेंट्रल साइड डोर्सल साइड गुड़े बात करें? ऑन डोर्सल साइड, डोर्सल साइड, डोर्सल साइड गुड़े बात करें। समझ में आ रही नहीं बेटू बात करें? डोर्सल साइड का मतलब क्या होता है बेटा बात करें? पृष्ठ की आधार, पृष्ठ के अधर, पृष्ठ, ये गुड़े बात करें। आप एक घर देखो गुड़े बात करें तो मेरे बेटा बात कर जहां पे थोरेसिक गुड़े बात कर 12 खत्म हो रही, वहां पे जहां तक थोरेसिक खत्म हो रही वहां से गुड़े L3 के बीच में, समझ में, बेल्ट के ऊपर ऊपर क्या मिलेगी आपकी? किडनी। डोर्सल साइड मिलेगी दीदी यहां पर, समझ पा रहे? T12 से लेकर बेटा बात करें L3 लंबर वर्टिब्री के बीच में गुड़े बात करें इसकी पोजीशन है, बस समझ पा रहे? दूसरा बेटा आपने इसको कहा गुड़े बात करें इस किडनी को हम क्या बोलते हैं? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? रेट्रो गुड़े बात करें पेरिटोनियल ऑर्गन। पेरिटोनियल दीदी बात करें ऑर्गन का मतलब क्या है जी? क्या कुछ कहना सर? अरे मैं मुझे बोले तो दो, इसलिए तो लिखा है, मैंने बता दिया क्या कि मैं कह रहा हूं आपसे? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, क्या होता है गुड़े बात करें? जो बेटा ऑर्गन किससे? पेरिटोनियल फ्लूड से, मतलब जो ऑर्गन आपकी गुड़े बात करें बॉडी कैविटी से डायरेक्ट जुड़े होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? पेरिटोनियल ऑर्गन।
समझ पा रहे? और केवल किडनी की गुड़े बात करें, डोर्सल सरफेस ही पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से क्या होती, कवर होती है। इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, रिट्रोपेरिटोनियल। क्या बोलते हैं? रिट्रो। पेरिटोनियल ऑर्गन का मतलब है जो ऑर्गन डायरेक्ट आपकी बॉडी कैविटी के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर जो ऑर्गन दीदी बात करें आप, जो ऑर्गन डायरेक्ट गुड़े बात करें पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से क्या है, कवर्ड है, उनको अपन क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल ऑर्गन। लेकिन गुड़े बात करें पूरी किडनी कवर नहीं है, किडनी का केवल बेटा बात क्या पता है, केवल बाहर की सर्विस, डोर्सल सरफेस ही बात कर पता है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से क्या होती, कवर होती है। इसलिए स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, रिट्रोपेरिटोनियल। रिट्रोपेरिटोनियल क्या होता है, गुड़े बात कर बॉडी कैविटी की मेम्ब्रेन जो गुड़े बात कर कवर करती है आपके बॉडी के ऑर्गन को, क्या के लिए, एक्स्ट्रा गुड़े बात कर पता है प्रोडक्शन के लिए, सपोर्ट के लिए। ये बात समझ में आ रहा है? या फिर ऐसा बोलो दीदी बात करेगी जो ऑर्गन डायरेक्ट बॉडी कैविटी से जुड़े हुए हैं, जुड़ने का मतलब बॉडी कैविटी उनको क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो ऑर्गन आपकी बॉडी में बेटा बात करें पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो ऑर्गन को कवर करती है, तो इसने बेटा पूरा कवर नहीं कर रखा है, केवल डोर्सल सरफेस में कवर कर रखा है, इससे अपन इसको क्या बोलते हैं, रिट्रो। क्या बोलते हैं? अगर पूरा कवर कर रखा होता तो क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल ऑर्गन। क्या बोलते हैं मैडम? तो ये कहलाता बेटा बात करें क्या, रिट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन। केवल गुड़े बात करें किडनी की डोर्सल सरफेस बेटा बात करें पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से क्या होती है, प्रोटेक्ट रहती है। तो ये गुड़े बात करें क्या होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको बोलते हैं बेटा बात करें रिट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन। गुड़े बात करें इनके अलावा कुछ और लिखा है क्या, ये अपन ने बातें की है। किडनी के बारे में बात करें, किडनी का जो कलर होता है वो रेडस ब्राउन, गुड़े बात करें पता भूरे लाल कलर का होता है या लाल भूरे कलर का होता है। सेब की बात करें, वो दीदी बात करके होता है बीन सीड सेब होता है। गुड़े बात करें आपने सेम देखी होगी, सेम के बीच के आकार का। थर्ड आपने बोला बेटा वेट, वजन कितना होता है, 120 से लेकर 170 ग्राम नियरली अपन बेटा बोल सकते हैं, 150 ग्राम एवरेज है। डायमीटर की बात करें, लेंथ गुड़े बात करें 10-12 सेंटीमीटर, विड्थ बेटा बात करें कितनी है, गुड़े बात करें 5-7 सेंटीमीटर, और थिकनेस क्या होती है बेटा बात करें 2-3 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट आपने कहा बेटा बात करें हमारे पास क्या है, गुड़े बात करें कैसा ऑर्गन है, रिट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन है, मतलब केवल इस किडनी का गुड़े बात करें डोर्सल सरफेस हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, उससे केवल इसके डोर्सल सरफेस कवर होती है। पोजीशन की बात करें, गुड़े डोर्सल साइड पर होती है, डोर्सल का मतलब क्या होता है, पीठ की तरफ, पीठ वाले सरफेस को अपन क्या बोलते हैं, डोर्सल, मतलब गुड़े बात करें पृष्ठ है, क्या बोलते हैं, पृष्ठ सतह। तो पृष्ठ सतह पे गुड़े बात करें थोरेसिक वर्टिब्री, मतलब T12 से कहां होती है, L3। थोरेसिक वर्टिब्री क्या होती है बेटा बात करें, जो मेरे चेस्ट वाले रीजन में गुड़े बात करें होती है, पर आपको आगे से नहीं देखना है, पीछे से देखना है रिब्स को। और आपको पता है बेटा जहां थोरेसिक खत्म होता है उसके नीचे, मतलब बेटा बात कर रिप्स से लेकर के नाभि के वाले रीजन को अपन क्या बोलते हैं, गुड़े लंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो गुड़े बात कर पीछे जाओ, यहीं आपको क्या मिलेगी, आपकी किडनी मिल जाएगी। क्या मिलेगी, किडनी यहाँ पर। तो थोड़े से गुड़े बात क्लस्ट, अच्छा सबसे पहले जो गुड़े बात कर आपकी गर्दन में जो वर्टिब्री है उनको क्या बोलते हैं, सर्वाइकल। कितनी है ये, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री। फिर गुड़े बात कर कितने होते हैं, 12 थोरेसिक, पीठ वाला मतलब चेस्ट वाला रीजन, तो T12। उसके बाद गुड़े बात कर क्या होता है बेटा बात कर लंबर रीजन, गुड़े L5। फिर होता है सीधी बात कर सैक्रम रीजन, S1। और फिर होता है C, कॉक्सिक्स, C1। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? तो बेटा ये कंडीशन आपको याद रखना है। पर मैं गुड़े कुछ एक किडनी के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। किडनी गुड़े बात कर होता क्या, आपने कहा किडनी तो सर एक ऑर्गन है, ऑर्गन क्या होता है बेटा बात कर ग्रुप ऑफ बेटा बात कर टिश्यू होता है, बात समझ पा रहे? पर टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। मतलब किडनी बनी किसकी है, सेल की बनी है, कौन सी सेल की गुड़े बात कर, नेफ्रॉन। क्या बोला था उनको बनने, नेफ्रॉन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा? अच्छा गुड़े बात कर किडनी का फंक्शनल स्ट्रक्चरल फंडामेंटल बेटा बात का स्ट्रक्चर, वैसे तो अपन रीनल सेल बोलते किडनी के लिए, पर मुझे गुड़े बात का रीनल सेल से मतलब नहीं है, मुझे उस स्ट्रक्चर से मतलब है जो गुड़े बात का ब्लड का फिल्ट्रेशन करे और यूरिन का क्या करे, फॉर्मेशन करे। समझ में आ रहा है? तो गुड़े बात करें किडनी को जो बेटा बात करें फंक्शनल स्ट्रक्चरल बेसिक गुड़े बात का पता है, बिल्कुल जल्दी बोलो, फंक्शनल स्ट्रक्चरल बेसिक।